हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, भिन्न का गुणा तथा भिन्न का भाग। कैसे किसी प्रश्न रहेगा उसमें भिन्न का भाग और गुणा करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस नए क्लास को। तो मान लीजिए हमारा सबसे पहला प्रश्न दे दिया है, 13/5 गुना में 7/26 गुना में 50/17, मान लीजिए 14। अब मान लीजिए सपोज करिए कि प्रश्न दे दिया, तो इसको गुना करना है तो इसको दो तरीका, एक बड़ा है एक छोटा है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो सिंपल वे में बताना है, तो सबसे पहले जो ऊपर अंश है 13/7/50, आप उसको गुना कर दीजिए, और जो नीचे है हर है 5/26/14, उसको भी गुना कर दीजिए, फिर बटा कर दीजिए, फिर उसको आप काटिएगा विभाजित करिएगा तब आ जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, कुछ देखना होगा आपको भिन्न में कि जो तिरछा देखना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में कि कौन एक दूसरे से कट रहा है। तो यदि हम इस भिन्न का बात करेंगे, 13/5 गुना में 7/26 गुना में 50/14, यदि इसका देखेंगे तो 13 के सामने क्या है, 26 है, ठीक है। तो 13/26 कोई कटता है इसमें से? हाँ, 13 जो है 26 जो है 13 से दो बार में कटता है, ठीक है, काट दिया। अब देखिए 5 और 7, तो 5 और 7 में 5 7 से नहीं करता, नहीं 7 5 से करता, लेकिन यदि यहाँ पे देखेंगे 7 और 14 में जो 7 जो है 14 से करता है, 14 जो है 7 से करता है, कितना बार में, दो बार में, 7 दूनी 14। अब देखिए कि यहाँ 2 बचा, इसके सामने क्या है, 50 है, 50 करता है 2 से के बार में, 25 बार में, यानी कि जो लास्ट में ऊपर 25 है नीचे 2 है, यानी कि हम बोले क्या बोल सकते हैं, 25/2, यानी कि जो हमारा आंसर लास्ट में आया है वो क्या आया है, 25/2, यानी 3 भिन्नों का यदि गुणनफल करते हैं तो जो हमारा आ जाएगा ये 25/2 आपको गुणनफल के रूप में आएगा। तो इसी तरह के मैं एक और प्रश्न ले रहा हूँ ताकि और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए कि हमारा सेकेंड प्रश्न है, इसी में 4/5 और गुना में 5/7 और गुना में 8/9 और गुना में आपको 18/28, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले तो जो भिन्न है उसको आप लिख दीजिए, तो भिन्न हमारा क्या है, 4/5 और क्या है, 5/7 और 8/9 और 18/28 है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। अब देखिए इसमें है, अब इसको क्या करना है, पहले काटना है, तिरछा तिरछी देखना है कौन कटता है। देखिए 5 के सामने 5 है, कि 5 जो है 5 से कट जाएगा 1 बार में, 4 जो है 4 के सामने 7 है, तो 4 जो है 7 जो 4 से नहीं कटता है, लेकिन अब आगे देखेंगे, चलते हैं आगे। तो 7 देखिए यहाँ 8 है, 7 8 से कटता है, नहीं कटता है। अब यहाँ क्या है, 9 है, ये भी नहीं कटता। अब देखते हैं इसके सामने 9 के सामने क्या हमारा है, 18, तो 9 18 जो कटता है 9 से दो बार में, ठीक है। अब 2 है, अब देखिए यहाँ 4 है, अब यहाँ पे क्या, पुलिस को गुना कर देते हैं, तो 4 में देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और यहाँ पे 28 है, तो 28 4 से कटता है, क्योंकि इसके तो सामने ही है, ये ऊपर है नीचे है, तो 28 जो है 4 से कट जाता है, कितना बार में, 7 बार। अब देखिए सामने जो कोई नहीं कटेगा, या 8 7 से कटता है, नहीं कटता है, 2 क्या 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर क्या हमारा है, 1 गुना में 8 और गुना में 2, नीचे क्या है, 7 गुना 7, ये 1 7 बचा है और ये 1 7 है। अब उसको गुना कर देते हैं, तो 8 में 2 से गुना करिए क्या बचेगा, 16, बटा में 7 से गुना करिएगा 49, यानी कि यदि तीनों भिन्नों के बदले में यदि लिखते हैं हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा आ जाएगा इस भिन्न के बदले में, तीनों भिन्नों के बदले में चारों भिन्नों को गुणनफल करेंगे तो ये भिन्न आ जाएगा, इस तरह का रहेगा, यदि भिन्न का गुणा आप इसको बना दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भिन्न का भाग, देखते हैं कैसे भिन्न का भाग करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा भिन्न का भाग से रिलेटिव प्रश्न है, 3/9 / 3/4 / 14/9, ठीक है, ये हमारा भिन्न का भाग है। तो देखिए भिन्न का भाग के लिए एक अर्थी आकार कि कैसे भिन्न का भाग शामिल करेंगे, इसको आप बनाइएगा तो दो तरह से बनेगा। पहले तो ये भिन्न को आप देख लीजिए, ये भिन्नों को यदि पहले हल कर लीजिए, फिर जो भिन्न के रूप में आएगा फिर आप उसको हल कर दीजिएगा। तो लेकिन इसका मैं बताता हूँ कि जब भिन्न कोई भी रहेगा जितना कटला उसको हल करना कैसे,
सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब भी यदि मान लीजिए रहेगा पी बटे क्यू भागा एम बटे एन भागा आर बटे एस, ऐसे कोई भी रहेगा भिन्न, तो उसको देखिए कैसे हल करते हैं। ये आगे वाला जस का तस रहने दीजिएगा, पी बटे क्यू। देखिए भागा का जो सिंबल है ना वो गुना में बदल दीजिएगा, गुना में जो एम बटे एन है ना आप इसको एन बटे एन के रूप में बदल दीजिएगा, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में। अब देखिए ये भी भागा है, इसको भी गुना बदल देंगे, ये आर बटे एस है इसको एस बटे आर में, यानी कि समझ रहे हैं हर को अंश में अंश को हर में। ये फॉर्मूला को लगाइएगा, अब भले ही आपको भिन्न में तीन भागा वाला रहे चार पाँच छः जितना भी रहे, बस आगे वाला को जैस का तस और पीछे वाला को पैर को उल्टा मुड़ी को उल्टा कर दीजिएगा और भागा को सिंबल को गुना में। तो हमारा प्रश्न भी इसी टाइप पर बनता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सात बटे नौ भागा का सिंबल है इसको गुना बदल लेंगे, और ये तीन बटे चार है ये बदलेगा कितना बार में, चार बटे तीन। ये भागा है इसको हम लोग गुना बदल लेंगे, ये बन जाएगा नौ और बटा में क्या आ जाएगा चौदह। अब इसको काट छाट करिए, जो भिन्न का गुना बताया था अभी, तो भिन्न का गुना में क्या करना है, इसको पहले गुना नहीं करना है तीनों में, पहले देखिए तिरछा में क्रॉस कौन कटेगा, सात तीन से कटता है नहीं कटता, ठीक है भाई चार कटता है चौदह से, ये तो कटेगा भाई, इसको काट देते हैं। मतलब कि सात जो है चौदह से कट, चौदह को काट देता है, यानी कि चौदह सात से कटेगा के बार में, दो बार में। देखिए ऊपर चार है नीचे दो है, ये भी कटेगा चार दो बार में दो से। अब देखिए यहाँ नौ है और यहाँ भी नौ है, ये कट जाएगा ऊपर एक बार में। अब इसको हल कर देते हैं, तो हम लोग क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर दो है तो दो गुना वन, और नीचे क्या है तीन है, तीन गुना वन, तो दो में गुना करेगा वन से दो, तीन एक से तीन, यानी कि दो बटे तीन, यानी कि इस भिन्न के दिन में यहाँ पे लाएंगे तीनों को भागा करेंगे तो दो बटे तीन आपको हमारा आ जाएगा। समझ गए बात को कैसे भिन्न को भागा करना है। तो इस तरह का मैं एक और प्रश्न ले रहा हूँ, देखिए अच्छी तरह से बनेगा। तो मान लीजिए कि हमारा फोर्थ प्रश्न जो दे दिया है सात बटे तीन भागा ग्यारह बटे तीन भागा एक बटे तीन भागा मान लीजिए पाँच बटे चार है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए मैंने भी बताया था कि जो पहले वालों को जस का तस रख देना है, पहले वाला में कोई चेंजिंग नहीं, तो सात बटे तीन रह जाएगा। अब भागा का सिंबल को क्या बदलना है, गुना में, ग्यारह बटे तीन किस में, तीन बटे ग्यारह में, यहाँ भी भागा है इसको गुना में, एक बटे तीन किस में बदलेगा, तीन बटे एक के रूप में, ये भी भागा है गुना में, पाँच बटे चार किस में बदलेगा, चार बटे पाँच में। अब देखिए गुना तो करना नहीं, पहले काटना है तिरछा तिरछी, तो देखना है सात भाई ग्यारह से नहीं कटेगा, देखिए तीन तीन कट जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तीन से कट जाएगा वन बार में, ठीक है। अब तो कोई कटेगा नहीं, ऊपर क्या बचेगा, सात गुना वन गुना तीन गुना चार, नीचे क्या है ग्यारह गुना में वन गुना में पाँच। अब इसको गुना कर दीजिए सात में तीन से, सात में तीन से इक्कीस, फिर इक्कीस में आपको चार से गुना करना है, तो चार चार दूनी आठ यानी कि चौरासी, यानी कि चौरासी आ जाएगा। और फिर नीचे गुना करिए ग्यारह में वन से वन, ग्यारह पाँच से पचपन, तो हमारा चौरासी बटे पचपन आ जाएगा। ये चारों भिन्नों के दिन भागा करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीखेंगे वो भी बढ़ेंगे। और साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सिनेमा को मेरी ऑप्शन पहले आता रहेगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे पहले पहुँच सके आप सामने वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जय हिंद जय भारत।